यहीं से तुमने समझा नहीं? यहीं से फिर टॉपिक यस वहां से। तो हम लोग देख रहे थे कि आपको सीड का डेफिनेशन है ना, और सीड का जब डेफिनेशन पे हम लोग बात किए थे, हमने कहा था आपको मैच्योर ओव्यूल को हम लोग क्या नाम देते हैं, सीड के नाम से लाते हैं, है जी। मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड सीड, है ना। ओव्यूल जो मैच्योर हो जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सीड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। पहला पॉइंट था उसका। दूसरा पॉइंट क्या था आपको, हमने कहा था आपको कि सीड के पास बहुत कुछ होता है। सीड कंसिस्ट ऑफ, हमने कहा था सीड के पास आपको सीड कोट होता है, सीड कोट होता है। उसके बाद हमने कहा था सीड के पास कोटलीडन होता है, कोटलीडन। कोटलीडन एक होगा या दो हो सकता है, कोटलीडन या तो एक होगा या तो दो होगा, तब ना हम लोग मोनोकोटलीडन और डाइकोटलीडन बोलते हैं। और तीसरा आपको आता है, ठीक है, कि सीड के पास इम्ब्रायो होगा, इम्ब्रियो। इंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंडोस्पर्म में प्रेजेंट, इंडोस्पर्म क्या देखते हैं, मे भी प्रेजेंट और अब्सेंट। इंडोस्पर्म हो भी सकता है और गायब भी हो सकता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इंडोस्पर्म के आधार पे सीड कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। आपको हम बताए थे इंडोस्पर्म रहने या न रहने के आधार पे सीड दो तरह का दिखाई देगा, है ना। इसमें हमने कहा था आपको एक इंडोस्पर्मस सीड होता है, इंडो स्पर्मस सीड होता है, और एक क्या होता है आपको नॉन इंडोस्पर्मस सीड होता है जी। नॉन इंडोस्पर्मस सीड के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। पॉइंट क्या है अभी, है ना, इंडोस्पर्मस का एक और नाम क्या है आपको, अल्बुजिनस के नाम है ना, अल्बुजिनस। एक मिनट, आपको इंडोस्पर्मस का एक दूसरा नाम क्या होगा आपको, है ना, इंडोस्पर्मस को हम लोग एक और नाम दिए थे आपको, है ना, अल्बुमिनस, अल्बुमिनस के नाम से बुलाए थे। ये बहुत बीबीआई बिहार बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आता है, ठीक है, अल्बुमिनस। और एक क्या होता है आपको, इसके लिए हम लोग क्या नाम दिए थे, आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रहा है, एक आवाज नहीं आ रहा है। मिनट, अब बोलो तो आवाज। यस सर आ ये रहा है। सर आ रहा अच्छा वो रात वाला प्रॉब्लम है, नहीं फिर से रुक रुक के आवाज आ रहा हूँ। नहीं सर रात नहीं, रुक रुक के नहीं आ रहा। ठीक है, एक आपको यहाँ पे नन अल्बुमिनस है ना, एक नाम दिए थे हम लोग आपको नन अल्बुमिनस, ये सब याद रखिएगा आप लोग। इसी का दूसरा नाम एक्स अल्बुमिनस, इसी का एक और नाम क्या था, एक्स अल्बुमिनस। अब इसका एग्जाम्पल सब आपको याद करना है, इसमें ऑल डाइकॉट प्लांट, इसमें क्या था आपको ऑल डाइकॉट प्लांट, जितने भी डाइकॉट प्लांट है सबके सब क्या होंगे आपको नन एंडोस्पर्मस होंगे। इसका हिंदी मतलब दिन हम समझा के बच्चा जो है ना आपको सारा का सारा इंडोस्पर्म खा लेता है, ठीक है। जब हम लोग सीड बनाते हैं, जब ये सीड हुआ, सीड में हम लोग क्या देखते हैं सर, एक कोने में बच्चा रहता है, इम्ब्रियो रहता है, और उस इम्ब्रियो के लिए खाना जमा किया जाता है, उस खाना किस फॉर्म में जमा किया जाता है, इंडोस्पर्म के फॉर्म में जमा किया जाता है। कुछ कुछ प्लांट्स में क्या देखते हैं, इंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया जाता है बाय द इम्ब्रियो। किसी किसी प्लांट में इंडोस्पर्म स्टिल प्रेजेंट रहता है, नॉट कंज्यूम बाय द इम्ब्रियो। इस आधार पर हमने कहा सीड है ना दो तरह का होगा, एक इंडोस्पर्मस होगा, एक नॉन इंडोस्पर्मस होगा। नॉन इंडोस्पर्मस में क्या देखते हैं सर, सीड है ना आपको इम्ब्रियो है ना पूरा पूरा इंडोस्पर्म खा लेता है, एक जरा भी इंडोस्पर्म नहीं छूटता है। सच तरह के आपको निके, आपको निके प्लांट के को क्या नाम देते हैं, नॉन इंडोस्पर्मस सीड के नाम से लाते हैं। इसमें कौन कौन से प्लांट आएंगे, और डाइकॉट प्लांट। जैसे आप डाइकॉट प्लांट का मतलब क्या समझ रहे होंगे, आप एक मटर का पौधा देखिएगा, चना का पौधा देखिएगा, या आप ऐसे नाम ले सकते हैं, मैंगो का नाम ले सकते हैं, ये सब डाइकॉट प्लांट होगी, ठीक है। और हमने कहा था कि जिसमें इंडोस्पर्म रह जाता हो, इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता हो, इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, जल्दी नहीं खाता है एम्ब्रियो को, इंडोस्पर्म नॉट कंज्यूम बाय डेवलपिंग आपको सीड या डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के द्वारा इसको नहीं खाया जाए, तो ऐसे तुम इसको क्या कहोगी, इंडोस्पर्मस सीड के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। इसका भी एग्जाम्पल तुम लोग को याद रखना है, ऑल मोनोकॉट प्लांट, ऑल मोनोकॉट, गेहूं चावल हुआ, या आप जो नारियल देखते हैं वो भी एक मोनोकॉट पौधा है। नारियल में जो व्हाइट वाला हिस्सा देखते हो ना, उसी को इंडोस्पर्म कहते हैं,
दिन भी समझाए थे आपको इंडोस्कोप का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होगा ऑलवेज, और इसीलिए इसका नाम भी एक और नाम पड़ा है अल्बुमिनस। अल्बुमिनस का हिंदी मतलब व्हाइट होता है जी, व्हाइट कलर का आपको सीड अंदर में व्हाइट कलर का सीड होता है पार्ट, इसलिए उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं अल्बुमिनस सीड कहते हैं। ऑल मोनोकॉट प्लांट, जितने भी मोनोकॉट प्लांट है सबके सब क्या सर आपको है ना जी, आपको एंडोस्पर्मस होता है ठीक है, और जितने भी डाइकॉट प्लांट है वो सब क्या होता है आपको नॉन एंडोस्पर्मस होता है ठीक है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये इसका एक्सेप्शन याद रखना आप लोगों को, वो अभी क्लास में ही याद कर सकते आप है ना। इसका एक्सेप्शन क्या है, एक आपको ऐसा भी आपको डाइकॉट पौधा है, डाइकॉट है ना, कास्टर, कास्टर एक ऐसा पौधा है जो डाइकॉट होता है ठीक है, उसका नाम सब सुनते होंगे आप लोग कास्टर ऑयल है ना जी, आपको जब भी आपको ज्वाइंट पेन होता है तो कास्टर ऑयल लगाया जाता है ठीक है। तो कास्टर एक ऐसा पौधा ना सर ये डाइकॉट है, फिर भी इसके पास इंडोस्पर्म रहता है ठीक है। और इधर आपको जाननी है ऑर्किड जो है, ऑर्किड एक ऐसा पौधा है जिसके पास क्या होता है मोनोकॉट होने के बावजूद भी सर ये इंडोस्पर्म गायब होता है ठीक है, मोनोकॉट है ये बट आपको इंडोस्पर्म क्या होता है आपको इंडोस्पर्म एब्सेंट होता है ठीक है। इंडोस्पर्म क्या देखते हैं हम लोग इसमें, एब्सेंट देखते हैं ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पुराना एनसीईआरटी जिसके पास होगा ना उसमें सनफ्लावर लिखा होगा, गलत है वो काट दीजिएगा, सनफ्लावर में लिखा होगा कि इंडोस्पर्म आपको क्या रहता है प्रेजेंट रहता है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है है ना। नया एनसीईआरटी में इस बात का जिक्र नहीं किया, इतना बात तो सबको याद ही हो गया होगा। उसके बाद हम लोग दिन एक दिन समझा रहे थे क्या, किसी किसी प्लांट में पेरिस्पर्म भी पाया जाता है। पेरिस्पर्म क्या है हमने उस दिन में समझाया था, रियल में ओव्यूल कैसा देखते हो आप लोग, ओव्यूल ऐसा देखते हैं हम लोग, ओव्यूल में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे एम्ब्रायो सैक होता है, एम्ब्रायो सैक के चारों तरफ एक खास तरह का सेल का लेयर होता है, इस सेल के लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसका नाम होता है सर आपको न्यूसिलस। और न्यूसिलस कहा जाता है कि जब है ना गैमिट बनता है या मेगास्पोर बनता है ना तब खत्म कर दिया जाता है न्यूसिलस, लेकिन सर क्या देखते हैं किसी किसी केस में न्यूसिलस स्टिल प्रेजेंट, मतलब न्यूसिलस बच जाता है, बचा खुचा न्यूसिलस आगे जाके खाना जमा करने लगता है। दिमाग लगाओ कि हम ये कह रहे हैं कि जब इसमें आपको गैमिट बनता है ना फीमेल गैमिट, तो उस दौरान क्या होता है न्यूसिलस खत्म हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश किसी प्लांट में न्यूसिलस बच जाए, जैसे एग्जाम्पल है ब्लैक पीपर, और एक क्या आपको एग्जाम्पल है ना ब्लैक पीपर हुआ, एक आपको ब्लैक पीपर एक कास्टर भी है, और एक क्या एग्जाम्पल बीच है, यानी तीन तीन ऐसे प्लांट है जिसमें न्यूसिलस बच जाता है, जो बचा खुचा जो न्यूसिलस है ये आगे जाकर के स्टोरिंग एरिया में बदल जाता है ठीक है, ये स्टोर करने लगता है, ये स्टोरिंग एरिया में जो बदलता है इसका नाम क्या पड़ जाता है पेरिस्पर्म। इंडोस्पर्म की जैसा ही है यहाँ पे पेरिस्पर्म, इंडोस्पर्म खाना किसके लिए बचा के रख रहा था एम्ब्रायो के लिए, सेम टू सेम वैसा ही काम पेरिस्पर्म करेगा एम्ब्रायो के लिए। जब ऐसा केस देखते हैं जिसमें पेरिस्पर्म हो और वो खाना जमा करके रखता हो है ना, तो ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, मतलब परसिस्टेंट न्यूसिलस है ना जी। आपसे मेडिकल में बहुत बार पूछे हुआ क्वेश्चन परसिस्टेंट न्यूसिलस है ना जी, परसिस्टेंट ना जी, परसिस्टेंट का मतलब क्या, कुछ बच खुच गया है ना, या आप एनसीईआरटी में देखिए रिमिनेंट करके लिखाओ परसिस्टेंस न्यूसिलस, जिसमें न्यूसिलस कुछ कुछ बच जाता हो सर, न्यूक्लियस नहीं है न्यूसिलस है ना जी, न्यूसिलस, न्यूसिलस जो देखते हैं परसिस्टेंस न्यूसिलस, इसको आपको क्या कहते हैं, इसको पेरिस्पर्म के नाम से लाते हैं। दिस पेरिस्पर्म है ना स्टोर है ना स्टोर फूड, और उस दिन हम ट्विस्ट क्या बताया था, ये डिप्लोइड होता है, ये क्या होता है आपको ट्यूबेन होता है, ये सब लास्ट क्लास में सब बात चला था जी ठीक है। इस सब में तुम लोग को बहुत जोर देना है किससे आपको इंडोस्पर्मसिप पे और नॉन इंडोस्पर्मसिप पे जी ठीक है। इंडोस्पर्मसिप किसे कहते हैं और नॉन इंडोस्पर्मसिप किसे कहते हैं, ये मेडिकल में खूब पूछता है जी। ये डाइकॉट प्लांट जितना भी देख रही हो ये सब क्या होगा सर आपको नॉन इंडोस्पर्मस होगा, और इसको जो देखते हैं ये सब क्या होगा सर आपको इंडोस्पर्मस होगा जी ठीक है। इतना होने के बाद हम ये कहना चाहते हैं, जब कोई आप इसमें कास्टर का फोटो देखिएगा, कास्टर एक दूसरा नंबर पे जो फोटोग्राफ है, ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं कास्टर में ठीक है, ये दूसरा फोटोग्राफ जो देख रहे हैं कास्टर है वो, तो कास्टर में क्या देखते हैं, कास्टर में आपको तीन तीन चीज मिलता है जी ठीक है। कास्टर जो देखते हैं इसमें आपको तीन तीन चीज दिखाई देगा, पहला चीज क्या होगा सर इसमें आपको है ना जी, कास्टर में हम लोग देखते हैं है ना इसमें तीन चीज होता है जी, कास्टर का फोटोग्राफ एनसीईआरटी बुक पे दिखा रहा होगा ऐसे करके रखा हुआ जी इस तरह से, इसमें आपको इंडोस्पर्म भी होता है, इसमें आप लोग याद रखिएगा कास्टर में इंडोस्पर्म होता है ठीक है। और कास्टर के अंदर में एक और चीज होता है सर, क्या नाम क्या, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म भी दिखाई देता है पेरिस्पर्म। एक बेस के पॉइंट को हम लोग कैरेंकल के नाम से बुलाते हैं, कैरेंकल के नाम से बुलाते हैं, ये तीनों के अंदर में खाना भरा रहता है ना, इंडोस्पर्म पेरिस्पर्म और कैरेंकल। कैरेंकल ही आपको ओव्यूल का ही कोई हिस्सा है जो मॉडिफाइड कर जाता है, सीड कोट है ना मॉडिफाई कर जाता है किसने आपको कैरेंकल में ठीक है, सीड कोट है ये, और ये सीड कोट क्या करता है सर आपको
बायोलॉजी में ना बहुत जब मॉर्फोलॉजी पढ़िएगा उसमें हर जगह यूज होता है सर आपको, है ना, ये टॉपिक है ना कास्टर। कास्टर याद रखिएगा, जीबीआई के तौर पे इसको डील कीजिएगा जी, ठीक है, समझ आ रहा है। यस सर। एक मिनट फ्रूट का बात होगा जी, ठीक है। तो एक पॉइंट अब आ गया असली क्लास में हम लोग, है ना, ये सब बातें लास्ट क्लास में हो चुका था, है ना। हम आपको बताते हैं क्या कि जब सीड जब बन जाता है ना, इमेजिनेशन करो जैसे सीड बन गया, एक सीड बनता है, सीड एक मैच्योर हो जाता है ना, मैच्योर सीड बनता है तब तब क्या देखते हैं सर, ठीक है। तब आपको इसके अंदर में जो सीड बना था, इमेजिनेशन कीजिए कि सीड बनता है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल आगे जाके सीड में चेंज हुआ था, है ना जी। जब सीड में चेंज होता है ना, इसमें जितना भी पानी रहता है ना वो सब निकल जाता है, ठीक है। और आपसे कोई पूछेगा, सीड अपने अंदर का सारा पानी इसलिए निकाल देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पत्थर जैसा हो जाए और कम से कम सरे गलेगा, ठीक है। अगर पानी रहेगा तो कोई भी बैक्टीरिया घुस के उसको सरा सकता है ना जी। जब आप देखिएगा मैच्योर सीड हो जाता है सर, ठीक है, सीड जब आप मैच्योर कर जाता है, ठीक है, तो अपने अंदर का सारा वाटर वो लॉस कर देता है, ये पूरा सिकुड़ जाएगा। कभी आप जो चना वगैरह खरीदिएगा मार्केट से, ये पूरा ऐसे रहेगा जी, ठीक है। ये जो दिखा रहा है सर, ये बताना चाह रहा है कि पानी लॉस हो चुका है, लेकिन आप कैसे समझिएगा कि कोई सीड में मेच्योरिटी आ चुका है, जब कोई सीड में उसके वजन का मात्र आपको 5 से 10% ही वाटर रह जाए, 5 से 10% ही वाटर रह जाएगा, तो समझ जाना वो क्या है सर, आपको मैच्योर कर चुका है। देखो अंडरलाइन करना उसको, दिखा होगा 10 से 15 या 5 से 15 है, 10 से 15 सॉरी, 10 से 15 आपको परसेंट अगर वाटर आ जाएगा, ठीक है, 10 से 15% अगर वाटर आ जाता है तो समझ जाइएगा वो क्या हो चुका है सर, आपको मैच्योर हो चुका है, ठीक है। मतलब कितनों भी सीड सूख जाएगा तो पानी उसके अंदर में रहेगा ही सर। मान लीजिए आपको दुनिया का सबसे बड़ा सीड होता है जी, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीड है डबल कोकोनट, है ना, डबल कोकोनट आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है। डबल कोकोनट ये वेस्ट इंडीज के इलाके में ग्रो करता है, डबल कोकोनट 18 kg का सीड होता है, ठीक है जी। डबल कोकोनट जो देखते हैं जी आपको, ये आपको कितना होता है सर, आपको 18 kg का ये सीड होता है, ठीक है। और इस सीड में है ना इमेजिनेशन हो जाएगा, ये मैच्योर कर जाएगा सर, ये मैच्योर कर जाने के बावजूद भी सर इसके अंदर में है ना जी, आप इसका 10% सोचो 18 लीटर पानी होगा सर जी, ठीक है, मतलब 1.8 लीटर के आसपास से पानी होगा, है जी। तो आप तो याद रखिएगा कि कोई भी सीड मैच्योर होगा तो उसके अंदर में मात्र 10% पानी, मतलब पानी कभी जीरो नहीं हो सकता है, पानी होता है वो कितना होता है 10 से 15% पानी होता है। जो किसान सब देखता है ना खेत में आपको उसका जो सीड लगा है वो साइंटिफिक बेसिस से वो खेतीबाड़ी कर रहा है, वो कैसे समझ आएगा कि मेरा फसल तैयार हो चुका है, तो उसमें से एक दो सीड को निकालेगा, है ना, उसको एक फ्रैक्शनल मेथड होता है, मतलब वजन करके डिफरेंस करके, मतलब कच्चा सीड का नापेगा नहीं तोलेगा उसका कुछ वजन आएगा, और सूखा हुआ सीड नापेगा उसका तोलेगा, दोनों में अगर 14% का डिफरेंस हुआ तो समझ आता है कि वो क्या हो गया है, उसका सीड मैच्योर कर चुका है। दिमाग लगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो मतलब कि अगर आप चाहें तो है ना सीड मैच्योर कर चुका है कि नहीं कर चुका है इसका पता लगा सकते हैं सर, मतलब मेरा फसल तैयार हो चुका है कि नहीं तैयार हो चुका है इसका पता लगा सकते हैं, है जब वो ड्राई हो जाए तब। ड्राई होने का कंसेप्ट क्या है कि उसके अंदर में मात्र उसके वजन का बाय वेट, मतलब उसके वजन का मतलब सीड के वजन का 10 से 15% पानी होना चाहिए, ठीक है, बाय द वेट ऑफ ना बाय वेट ऑफ सीड, है ना जी। तो आपको वो चना में तो सर दिक्कत हो जाएगा याद करना, मतलब आप कर सकते हैं उसमें भी 1 kg चना लेकर के तब उसमें बना सकते हैं आपको 100 ग्राम पानी आता है कि नहीं आता है, पर चलिए याद रखिए डाटा याद रखना आप लोगों को, या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब कोई सीड बन जाता है ना, सीड जब मैच्योर हो जाता है तो वो तुरंत नहीं तैयार हो जाता अगला अगला सीजन के लिए, मतलब कि अगर आप कोई फसल तैयार किया, इमेजिनेशन करो कि अगर हम लोग अगस्त के महीना में अगर आपको राइस तैयार हो गया, ठीक है, मान लीजिए आपने उसको मई में आपको लगाया था आपको अगस्त ये राइस को, और वो आते आते अगस्त या सितंबर आते आते चावल का खेती तैयार हो जाता है, ठीक है। अब चावल का खेती तैयार हो गया मतलब धान सब आ गया, सीड आ गया, अब तुम चाहोगे कि नहीं हम फिर से उसको हम लोग अक्टूबर या नवंबर से लगा लेंगे और फिर से उसको पेड़ लगा लेंगे धान का पौधा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल है, दो कारण है, एक तो मौसम सही नहीं है, और सीड तुरंत नहीं जर्मिनेट करता है सर, टाइम लेता है सर, है ना, कोई भी सीड बन जाने के बाद वो क्विक नहीं आपको जर्मिनेट करेगा, कुछ समय लेता है, ठीक है। जैसे आम का ही सीजन ले लो, बेहतरीन एग्जाम्पल ये है, अभी मई जून का समय है
तो इस सीजन में हम लोग आम का आठी, मतलब आम खाएंगे आठी फेंक देते ना जी। आठी क्या मेच्योर हो चुका है ना, हम क्या बोले थे कि आपको आठी के अंदर में पूरा पानी कम होता है ऊपर से ना, आपको वो तो फ्रूट है, लेकिन हम लोग जो आठी देखते हैं उसका वो एक तरह से सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जब सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर आप आंठी को फेंक दीजिएगा मई या जून में, लगाइए सोचिए कि मई के जून में महीना में आपको पेड़ निकल जाए, कभी भी पॉसिबल नहीं। लेकिन वही तुम अगस्त के महीना में देखोगी या सितंबर के महीना में देखेंगे तो उसमें आपको पेड़ निकलना शुरू हो जाता है जी। कभी भी जो आंठी खा के नहीं फेंक देते, देखिए आप पेड़ आने के संबंध में, पेड़ आने का जो संभावना है जुलाई अगस्त में होता है, ठीक है। क्यों सर, 2 महीना क्यों, जबकि पानी हम दे रहे थे डेली, ठीक है। जवाब है, सीड को पता है कि ये अब मौसम सही नहीं है, मई या जून के महीना में भारत में बिहार में गर्मी पड़ता है, भले बीच में थोड़ा बहुत बारिश होता है बट एक तरह से ये गर्मी का मौसम चलता है, ठीक है। सीड को ये लगता है कि अभी जो अभी हम बाहर आएंगे तो हमको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। पानी नहीं मिलने के कारण मेरा ग्रोथ रुक सकता है, ठीक है। इसलिए वो परफेक्ट समय का इंतजार करता है, जुलाई अगस्त का इंतजार करता है, जिस टाइम उसको पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में नमी आ जाता है, ठीक है। समझा राजन, कराता है वो जो रेस्ट करता है ना जो 2 महीना, मतलब हमने मई में ही सीड तैयार कर लिया था लेकिन मिट्टी में डालने के बावजूद भी वो पेड़ में नहीं चीज हो रहा था, ठीक है। इससे साबित क्या हो रहा है सर कि सर सीड कुछ समय के लिए आराम फरमाता है, वो आराम फरमाने के समय को क्या कहते हैं, डोरमेंसी के नाम से लाते हैं। देखिए टॉपिक तो हम लोग याद चुके हैं, टॉपिक का नाम क्या है, डोरमेंसी। देखिए एनसीईआरटी में लिखा होगा डोरमेंसी, है ना। जब सीड बन जाता है ना तुरंत जर्मिनेट नहीं करता, जर्मिनेट मतलब फिर से पेड़ पौधा नहीं बनता है, और जब पेड़ पौधा नहीं बनता तो कुछ समय के लिए आराम फरमा रहा होता है सर, वो आराम फरमाने के समय को तुम क्या कहते हो, डोरमेंसी के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। मतलब आफ्टर मेच्योरिटी है ना, सीड सीड आपको क्या करता है सर, आपको मैच्योर करता है, आपको नॉट इमीडिएटली, इमीडिएटली नॉट इमीडिएटली है ना, जर्मिनेट दे गो अंडर सम पीरियड ऑफ रेस्ट, सम पीरियड ऑफ रेस्ट, सच पीरियड इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। सच पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग, इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी 2 बार आ चुका है आपको, एक बार और सुनाए थे डॉर्मेंसी, 11th में भी डॉर्मेंसी सुनना था, हालांकि हम बोलना भूल गए थे 11th वाला डॉर्मेंसी, 11th में भी हम लोग को डॉर्मेंसी पढ़ना है ना। तो सीड क्या होता है सर, आपको जब मेच्योर कर जाता है तो सर तुरंत जर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब मतलब कि फसल तैयार हो गया फिर तो हम अगला सप्ताह से फिर किसी को लगा लेंगे, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है सर, बहुत सारा कारण हो सकता है, एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, क्या हो सकता है ऊपर से सीड तैयार हो गया अंदर में बच्चा अभी भी ऐसे ही है, मतलब अभी भी इन दोस्तों को नहीं खाया है, मतलब बहुत सारा समस्या हो सकता है। इस वजह से सीड कुछ समय के लिए आराम फरमाता है, उस समय में वो अपने आप को तैयार करता है कि हम आगे इस समय में आपको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा समय जिसमें सीड अंडर रेस्ट में रहता है, नॉट जर्मिनेट, वो जर्मिनेट नहीं करता है जी, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, इस घटना को हम लोग है ना सीड डोरमेंसी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तुम लोग याद करोगी डोरमेंसी का मतलब। अब एक बात और है सर, डोरमेंसी में सीड मरा हुआ होता है, नहीं जी मरा हुआ नहीं रहता है, एक सस्पेंड चल रहा है, सस्पेंड मतलब क्या, अपने आप को ज्यादा हिलजुल नहीं कर रहा है, अपने सेल डिवीजन को क्या क्या थामे हुआ है जी, ठीक है। और दूसरी बात सर, डोरमेंसी पीरियड के टाइम में सीड सांस उस लेता है कि नहीं, लेता है जी, ठीक है। डोरमेंसी पीरियड के टाइम में सीड तो सांस लेता है, पानी हल्का फुल्का लेता रहता है, और हम बताए हुए थे कि आपको एक आपको जगह होता है जिसका नाम माइक्रोपाइल है जी। आप इस केस में देख रहे हैं है ना, सीड में एक हल्का सा एक छेद होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रोपाइल के नाम से लाते हैं। माइक्रोपाइल के रीजन से सर हवा और पानी अंदर जाता है, ऑक्सीजन इसी रास्ते से अंदर जाता है, वाटर इसी रास्ते से अंदर जाता है। जब सीड को मन करेगा कि हमको अब जर्मिनेट कर जाना है तो हवा और पानी किस रास्ते से जाएगा, माइक्रोपाइल के रीजन से जाएगा, वैसे भी जा रहा था लेकिन हल्का फल्का। और आप जब उसको अब करना है कि आप बाहर आना है, आपको बड़ा बनना है, उसके दौरान क्या होगा, इसी रास्ते से उसको वाटर पानी मिलना शुरू हो जाएगा। रेस्पायरेशन के लिए उसके पास क्या होता है, माइक्रोपाइल का रीजन होता है, और उस माइक्रोपाइल रीजन के जरिए से आपको क्या जाता है, इसके अंदर में एनर्जी मतलब वगैरह ऑक्सीजन वगैरह सब जाता है जी। हो गया जी, सी डोरमेंसी भी पढ़ा दिए, ठीक है। सी डोरमेंसी यहाँ पे अगला टॉपिक इसी बुक में है ना, इस चैप्टर में कुछ ही पेज बाद, एक ही पेज बाद फिर से डोरमेंसी पढ़ना है, उस जगह पे हम आपको अच्छे से डोरमेंसी को डील कर देंगे। अभी बस डोरमेंसी काम चलाओ डिफिनेशन के तौर पे देखो, है ना जी, उस पैराग्राफ में भी डोरमेंसी के बारे में चर्चा होगा, एक पेज बाद देखोगे ना डोरमेंसी का चर्चा होगा जी, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रूट पढ़ते हैं जी, ठीक है। और फ्रूट पढ़ने के बाद फिर से सीड जब पढ़ेंगे ना, सीड अभी खत्म नहीं हुआ है जी, सीड में भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी फ्रूट पढ़ते हैं जी, ठीक है। देखिए हम लोग क्या देख रहे थे,
आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देख रहे थे, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो देखते हैं इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग क्या जानेंगे, आपको आप बताए थे ना, सबसे पहले इम्ब्रियो बनता है ना, याद आ रहा है, सॉरी सबसे पहले इंडोस्पर्म बनता है ना, सबसे पहले इंडो स्पर्म बनता है, और इंडो स्पर्म बनने के बाद क्या बनता है सर आपको, हाँ जी, तब उसके बाद इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो, उसके बाद सीड बनता है, पर एक्चुअली में सीड और फ्रूट एक साथ बनता है जी, फल भी आपको एक साथ बनता है, सीड भी एक साथ बनता है जी। आज हम लोग का क्लास क्या, फ्रूट पढ़ना है जी, ये भी VBI है, सब ऑब्जेक्टिव के जैसा पूछता है जी, बोर्ड में भी पूछेगा और नीट में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है। तो फ्रूट क्या है, तो इसका हम लोग पहले क्या जानेंगे, डेफिनेशन जानोगी है ना, उसके बाद इसका महत्व जानोगी, सिग्निफिकेंस, ये क्या करके देता है जी, ठीक है, हम लोग के लिए क्या मायने रखता है, सिग्निफिकेंस हम लोग जानेंगे, सिग्निफिकेंस में हम लोग देखेंगे, और इसके बाद जब तुम ये समझ जाएगा, सिग्निफिकेंस समझ जाओगे, तब हम इसके बारे में बताएंगे सर, टाइप सबसे ज्यादा टंग का मेरा लाइन यही है, टाइप, हमने 11th वाले बच्चे से बताया है कि आपको फ्रूट के टाइप क्या होते हैं, यहाँ भी आपको कुछ फ्रूट का टाइप जानना है इन कंटेक्स्ट ऑफ कंपटीशन, है ना जी, जब ये समझ में आ जाएगा है ना जी, तो ये टॉपिक द इन मान लिया जाएगा, ठीक है जी। देखिए सबसे इजी डिफिनेशन, इसका भी दो तीन डिफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक डिफिनेशन पहले पे फोकस करते हैं, पहला डिफिनेशन ही मान्य रखेगा, मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड, मैच्योर ओवरी, ओवरी इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड फ्रूट का नाम से बुलाते हैं, ठीक है। हमने आपको कहा था आपको कि एक ऐसे फ्लावर देखती हो, फ्लावर में ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, हम लोग ओवरी के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। और ये ओवरी जो है ना सर, इसके अंदर में ओव्यूल है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब ओव्यूल सीड में बदल रहा होता है, एट द सेम टाइम में ओवरी किस में बदल रहा होता है सर, आपको फ्रूट में बदल रहा है, जैसे आप इसको कल डेट में देखें क्या, ये आपको इस तरह से आपको ये बन चुका रहेगा, ठीक है, ये सीड बना, बीच वाला हिस्सा सीड में बदला, और ये हिस्सा क्या हो गया सर आपको फ्रूट में चेंज हो गया जी, ठीक है, ये पूरा हिस्सा आपको क्या देखते हैं, फ्रूट में बदल जाता है जी। दिमाग लग रहा है जब क्या समझा रहा है, मतलब ओवरी बड़ा होकर क्या बनता है सर, फ्रूट बनता है। अब इसी को तुम दूसरे लैंग्वेज में लिखोगी, ये लिख सकती हो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन वाल ऑफ, वाल ऑफ ओवरी गेट मैच्योर, या इसी के लिए कौन शब्द है, राइपेंड, पक जाता है, राइपेंड हो जाता है, राइपेंड है ना, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाल ऑफ ओवरी गेट मैच्योर है ना, एंड चेंज इन टू, चेंज, चेंज इन टू फ्रूट, ये किससे बदल जाता है, फ्रूट में चेंज कर जाता है, ठीक है। एक्चुअली में तुम एक बार गौर करोगे, जैसे आम का ही इमेजिनेशन करो कि सर ये सीड हुआ, सीड को है ना सर असल में है ना दीवार बाय दीवार लगा के इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना, एक वॉल तैयार करके प्रोटेक्ट किया जा रहा है जी। पहला छिलका देखती हो आप, इसी कारक कहलाता था ना जी, बीच का जो दीवार देखते हैं, कभी देखिए ना जी, आम देखिए कि नहीं, नहीं देखिए, इंग्लैंड जाइए तो हम बता रहे थे कि आपको आम वगैरह से देखते हैं, उसमें अपर का एक स्किन होता है, उसके बाद आपको एक क्या होता है, पल्प लेयर होता है, एक पत्थर जितना मजबूत लेयर होता है, और तब उसके अंदर में सीड दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो तीन लेयर देखते हो ना, तीनों को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेरिकार्प के नाम से लाते हैं। दिमाग लगाओ कि जो आम का जो आंठी हम लोग दे रहे थे ना, जिसको नहीं खा पाते, जो बहुत हार्ड होता है, वो एक्चुअली में फ्रूट का ही पार्ट है, मतलब ओवरी का ही पार्ट है। आंठी को काट उठ करेगा ना, मतलब उसको या तो बड़का आंठी से, मतलब आरी से काटोगी, तब अंदर में सीड दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर है, क्या होना चाहिए। ये तीनों लेयर जो है ना, उसको पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प है ना जी। अब आपको दिमाग लगाइए कि लड़का कहता है वो फ्रूट का डिफिनेशन फिर से समझाइए, तो पेरिकार्प प्लस सीड इज इक्वल टू फ्रूट, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रूट के नाम से लाते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग कुछ सुने होंगे, वॉल ऑफ ओवरी, ओवरी का जो दीवार है भाई, ये ना है जी, ये हुआ और यहाँ पे कुछ लेयर होगा, ये तो सीड में बदल जाने वाला है ना, ये हिस्सा सीड में बदलेगा, तो सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है ना कोई लेयर, बाहरी लेयर, बीच का लेयर, सबसे भीतरी लेयर, ये तीनों लेयर को एक साथ क्या नाम देते हैं हम लोग, पेरिकार्प के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली तुम लोग का मन में अब सवाल उठा कि ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, ऊपरी लेयर को हम लोग ईपी कार्प कहते हैं, ईपी कार्प, बीच के लेयर को क्या कहोगी, मेजो कार्प, मेजो, मेजो माने बीच होता है, और कार्प माने फ्रूट होता है, ठीक है, कार्प का मतलब फ्रूट है ना जी, और है ना ईपी माने सबसे बाहरी आपको कार्प है ना, इसका बीच में सबसे अंदर हार्ड होता है, इसको हम इंडो कार्प के नाम से बुलाएं, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप है ना जी। आपको आम का एग्जांपल लेकर के ऊपर का छिलका हटाते हैं,
पीपी कार्ड, बीच में जो गुदा वगैरह सब, उसको हम क्या नाम देते हैं, मेजो कार्प बोलते हैं। सबसे अंदर में जो हार्ड पत्थर का लेयर होता है उसको इंडो कार्प कहते हैं। तीनों के एक साथ नाम दोगे तो पेरी कार्प के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब जा रहा है दिमाग में, ये हम बोलना चाह रहे हैं क्या कि फ्रूट जो है ना किसे कहते हैं, ओवरी के मेच्योर फॉर्म को ही फ्रूट कहते हैं। ये बहुत इजी डिफिनेशन है, यही डिफिनेशन आपको एग्जामिनेशन हॉल तक याद रहना चाहिए। अब तुमको नहीं, हमको डेकोरेट करके बोलना था, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओवरी गेट मेच्योर है ना एंड चेंज इन टू द फ्रूट है ना जी। एक्चुअली है ना वॉल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पेरिकार्प है ना, पेरिकार्प को हम लोग आगे जाके फल करते हैं। लेकिन एक बार गौर करोगे सर, पूरा इंटायरली फल करते हैं। कभी जाते हैं आम खरीदने के लिए, ये नहीं कहते हैं कि हमको आके छोड़ दीजिए फल ला के दीजिए, है जी ऐसे बोल, ये तो मैंने क्या बेकूफी है ना। फूल फल जब बोलते हैं ना, फ्रूट बोलते तो क्या चीट भी ना आ जाता है जी, लग रहा दिमाग। तो सर हम लोग को कोई पूछेगा आज के बाद है ना जी कि एक्चुअली में सीड ये है और ये ना हम लोग खाते हैं, या जो ये हिस्सा यूजेबल होता है ना सीड के अलावा जो हिस्सा, उसको क्या कहेंगे जी, वॉल ऑफ ओवरी नहीं कहोगी। तो वॉल ऑफ ओवरी प्लस सीड दोनों को मिला के एक साथ क्या कहते हैं हम लोग, फ्रूट के नाम से लाते हैं। या कोई मतलब कहेगा फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, फ्रूट में क्या क्या चीज पाया जाता है, फ्रूट में पेरिकार्प पाया जाता है और सीड पाया जाता है। पेरिकार्प और सीड को मिला के तुम क्या कहते हो, फ्रूट के नाम से बुलाते हैं जी। बहुत इजी बात है ये, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें। पेरिकार्प प्लस है ना आपको सीड कट जाएगा तो फिर देखना कितना मिनट रह गया। क्या हो गया, कितना मिनट रह गया जी मोनी? 6 मिनट के लगभग है, 5-6 मिनट, 3 मिनट, चलो 5-6 मिनट रह गया सर, 1 मिनट रह गया। हाँ कट के फिर से ज्वाइन करो, 6 मिनट है, 6 मिनट में। हाँ अरे रुक जा रुक जा, अभी नहीं काट, कुछ करो अभी, रुक जा अभी, रह रहो रह रहो। तो ये हो गया ये लाइन है ना जी, पेरिकार्प प्लस सीड इक्वल टू फ्रूट के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद मुद्दा ये उठता है, ठीक है कि जब हम लोग देखते हैं ना फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, एट द सेम टाइम में सीड का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है जी, दोनों साइमल्टेनियसली है। यहाँ तो हम लिख भी दिए दोनों के बारे में, एनसीईआरटी जब पढ़ाएंगे अभी तो आपको बताया जाएगा सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट है ना साथ साथ होता है जी, मतलब साइमल्टेनियसली होता रहता है जी। हो गया ये बात समझा दिए है ना, एक लाइन छूट रहा है क्या, सीड हो गया, पेरिकार्प हो गया है ना, पेरिकार्प हो गया, सीड हो गया, ठीक है फ्रूट बन गया ना जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चले आगे यहाँ तक समझा दिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्या, ठीक है जी, हम लोग जब ओवरी को देखते हैं सर, ठीक है ओवरी जो मैच्योर कर जाता है, ठीक है एक मिनट जा, उसको तो बताएंगे उसको तो आगे टाइप में आएगा। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप फ्रूट को देखते हैं इसमें आपको वाई सिग्निफिकेंस क्या है इसका, है ना जी, सिग्निफिकेंस ये है कि सर ये सीड को डिस्पर्स करने में मदद करता है, हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये जरूरी है जी लाइन लिखना है ना, ये सीड को क्या करता है, डिस्पर्स करता है। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपको कहे ना ये फल फल क्यों खाते हैं, ठीक है हम लोग फ्रूट क्यों खाते हैं, ठीक है जी, एक्चुअली में दिमाग लगाता है पेड़, पेड़ चाहता है क्या कि उसका सीड दुनिया में हर जगह चला जाए। जैसे अगर अभी देखिएगा कि है ना लीची को है ना पूरा विदेश में भेजा, इंग्लैंड भेजा गया लीची को, ठीक है जी, देखिए लीची क्यों इंग्लैंड है, उसका सीड पसंद है किसी को क्या, नहीं ना जी, उसका सीड नहीं पसंद है किसी को, उसका ऊपर का जो छिलका होता है वो उसको सब लोग पसंद करते हैं, मतलब उसको खाते हैं। तो पॉइंट ये उठ के आता है कि सर सीड सीड को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए ना आपको यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर सीड को भेजना है तो सर प्लांट क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। फ्रूट एक तरह से नहीं होता, नहीं होता एक तरह से कहा जाए कि सीड सीड को मतलब सॉरी फिर से बोलते हैं कि सीड को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो सर फ्रूट का एक आपको फॉर्मेशन होता है। फ्रूट क्या करता है सर, डिस्पर्सल में मदद करता है। जैसे मान लिया हम लोग अपने दरभंगा में गाछी में आम सब ग्रो करता है, आम अगर फल नहीं बनाता, ठीक है तो कोई आदमी जाता है आठी खाने के लिए, वहाँ बिल्कुल नहीं जाता, ठीक है हम लोग क्या करते हैं आम को तोड़ करके ले आते हैं घर तक ले आते हैं, घर में खाना खाते हैं, मतलब उसको मतलब आम को खाते हैं, उसके आँखी को अपने आंगन में या अपने बागीचा में कहीं फेंक देते हैं, ठीक है देखते हैं वहां पेड़ निकलने लगता है। सोचो वो आम का आपको जो साम्राज्य होगा या उसका जो ये टेरिटरी होगा वो फैल गया ना, पहले गाछी में होता था, अब वो आपको दरभंगा शहर में भी आम का पेड़ देखने को मिल जाता है। ठीक है, यही बात है, सीड के डिस्पर्सल में मदद करता है सर आपको कौन, फ्रूट मदद करता है जी। ठीक है, और ये बात तय है कि सर फ्रूट में खाना वगैरह होता है, फ्रूट आपको आपको अच्छा भी लगता है। हाँ अब याद आया, ठीक है
ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बच्चा और आपसे आज कल फ्रूट पूछेगा ना, सीड का कवरिंग जो होता है सर, सीड जो जिस जिस सीड कवरिंग होता है, तो उस सब को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, फ्रूट के नाम से आते हैं। द पोर्शन विच कवर द सीड ऑफ द प्लांट है ना जी, वह पोर्शन जो प्लांट के सीड को कवर करता है, तो उसको हम क्या नाम देते, फ्रूट कहते हैं। इस हिसाब से अगर आप कहिएगा ब्रिंजल है ना, इस हिसाब से कहिएगा आपको, यानी कि लेडी फिंगर हुआ या कुछ भी नाम लीजिएगा ना, वो सब फ्रूट है। आज के बाद एक कंसेप्ट याद रखिए, कद्दू जो हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली सब्जी नहीं है वो, ठीक है। सब्जी एक्चुअली में हम लोग एक्चुअली में सब्जी किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग स्टेम या लीफी पार्ट खाते हैं, जैसे आप पालक हुआ आप उसको सब्जी बोला सकती है, ठीक है। लेकिन आप जितना भी आप ये जो देखते हैं, ठीक है, मतलब क्या नाम सब ले, ठीक है, एक नाम हुआ भी जो बोले आपको, भिंडी हुआ, परवल हुआ है ना, या ये क्या नाम है, कद्दू वगैरह सर हुआ, या जितना भी है ना, खीरा वगैरह हुआ है ना जी, ये सब को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, जिसमें हम लोग सीधे आपको देख के सीड कवर है जी, समझा रहा जी, ये जो सीड कवर है वो सब फ्रूट है। ये बता, कोई देखिए हम बोल रहे थे क्या कि आप लोग जितना भी सीड कवर देखते ना, कोई सीड है ये, इस पे कवरिंग आ गया, इसका मतलब आप क्या मानोगे इसको, आप फ्रूट मानोगे, ठीक है। उस हिसाब से आप जो भी सब्जी वगैरह खाते हैं है ना, एक्चुअली में सब्जी वो नहीं है, उसमें हम फ्रूट खा रहे हैं। फ्रूट का मतलब ये नहीं होता कि वो मीठा ही लगे तभी फ्रूट खा रहा है, आप बस सीड कवर देख रहे हो, दैट रीजन इज कंसीडर्ड एज फ्रूट। जैसे आप खीरा वगैरह बोलिएगा है ना, जितना भी आप नाम लीजिएगा, परवल हुआ या भिंडी हुआ, ये सब एक तरह से फ्रूट का होता है ना। हाँ, लेकिन आप कहिए ऐसे तो वेजिटेबल की शक्ल, वेजिटेबल में आपको लीफी पार्ट आता है या रूट का पार्ट आता है या स्टेम का पार्ट आता है। अगर आप उसको मतलब आपको अपने डाइट में देते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग नाम दे सकते हैं सर, आपको वेजिटेबल के नाम से आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लड़का फंसा लेगा आपको, कहेगा ईथ क्या है, ईथ मतलब लेकिन शुगर केन क्या है, उसको फ्रूट मानेंगे कि आप लीफ ये मानेंगे, ठीक है, मतलब क्या नाम है, फ्रूट मानेंगे या फिर मतलब ये वेजिटेबल मानेंगे, ठीक है। यही फंसेगा आप लोग, यहाँ पे ना आप उसको फ्रूट मानिएगा ना ही आप उसको अपने वेजिटेबल मानिएगा, तो आप क्या मानिएगा, ठीक है, मैच्योर स्टेम मानिएगा, पर फ्रूट जल्दी फ्रूट को स्टोर करता है। जैसे गाजर हुआ ना जी, जिसको ना सब्जी मान नहीं सकते, क्या हम लोग लोग कहते हैं सब्जी है ये, एक्चुअली में वो क्या आपको राइपेंट आपको रूट है, उसमें खाना स्टोर होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट ना जी, तो हम बता रहे थे आपको सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट जो है, पहला ये क्या है, हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। दूसरा लाइन क्या होगा, कवर, कवर है लिखा आपको सीड है जी, ये सीड को क्या करता है आपको कवर करता है, ठीक है। तीसरा क्या है सर आपको पॉइंट क्या करता है, मे स्टोर है ना, मे आपको लिखा आपको ना, मे आपको लिखा आपको जूसी, या मे आपको लिखा आपको रिच इन, रिच इन मे रिच इन आपको फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का मतलब कल बताया था आपको ये मीठा होता है जी, ठीक है। कभी कोई फल क्यों मीठा लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको है ना, मे भी आपको रिच इन है ना, रिच इन फ्रूट फ्रुक्टोज है ना, और नॉट, ये हो भी सकता है फ्रुक्टोज से कवर हो या नहीं भी हो। जैसे खीरा या ये सब खाते, कद्दू वगैरह खाते तो मीठा थोड़ी लगता है वो, लेकिन आप वही जगह पे है ना जी, हाँ करेला भी मीठा थोड़ी लगता है, ठीक है। तो ये बात हुआ कि एक्चुअली में जरूरी नहीं कि फ्रुक्टोज वो ही, ठीक है, मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सर, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था जब आप सीड को देखते हैं, बस सीड को आपको कवर करता है सर, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं सर, कोई भी आपको जब फ्रूट बनाते हैं सर, तो फ्रूट में आपको जो हिस्सा देखते हैं सर, मोस्टली जो देखते हैं, मोस्टली जो फ्रूट होता है सर है ना, मोस्टली है ना, आपको फ्रूट जो देखते हैं, फ्रूट है ना डेवलप फ्रॉम, डेवलप डेवलप फ्रॉम ओवरी है ना, ये ओवरी से डेवलप करता है सर, ठीक है। ओवरी हैव वॉल है ना, ओवरी के पास क्या होता है, ओवरी के पास वॉल होता है, ओवरी हैव वॉल, जिसको आप क्या नाम दिए हो, पेरिकार्प के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि पेरिकार्प कितने तरह का होता है सर, आपको तीन तरह का होता है ना जी, पेरिकार्प जो देखते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा जी, ठीक है। पेरिकार्प जो देखते हैं ये तीन तरह का होता है, ठीक है। उसमें क्या देखते हैं हम लोग, एक होता है एपिकार्प है ना, एक होता है एपिकार्प, अच्छा डेफिनेशन हिंदी निकाल के ही पढ़ कर लोगी, आउटर सरफेस ऑफ फ्रूट, मिडिल सरफेस ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड मीजोकार्प, मीजोकार्प। और एक जो देखते हैं सर आपको सबसे अंदर का हिस्सा देखते हैं इंडोकार्प है ना जी, इंडोकार्प के नाम से लाते हैं। अब एक कॉमन सेंस लगाइए, एक टॉपिक उठ के आ रहा है, इडिबल, इडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट है ना जी, इडिबल, इडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट है ना जी, इडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, फ्रूट का कौन सा हिस्सा आप खा सकते हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा नाम, पहला आपको नाम दे रहे हैं मैंगो, मैंगो में कौन सा हिस्सा आप लोग या हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। एक कॉमन सेंस लगाइए, आम को जब आप देखोगी उसमें आपको ऊपर का छिलका होता है,
बीच में आपको सीट होता है ना, सीट के चारों तरफ कवर रहता है, इसका नाम क्या है, इंडो कार्प कहे थे, इंडो कार्प। और आपको सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्या नाम देते हम, इसी कार्प। अब बीच का जो लेयर देखते हैं उसको क्या नाम देते हम, ये जो कार्प। अब देखो कलर का, और टेंथ को बच्चा पढ़ाएंगे नहीं बात, तो बता देगा कि कौन सा ऐसा आम का खाते हैं, बताओ कौन सा ऐसा खाते हैं। हाँ सही है, सही है, मेजो कार्प हम लोग खाते हैं। ये पूछता है, बिहार बोर्ड में भी पूछता है, और कभी कभी सीबीएसई भी पूछ देगा तुमसे, ये कौन सा पार्ट इडिबल है ना, विच प्लांट का। ठीक है, तो आप नाम सुनोगी या तो फीलिंग करके बताओगी, नहीं तो तुमको जो सर जी बोलती है वही मान लो, ये मेजो कार्प हम लोग इसका खाते हैं, मैंगो का जी। ठीक है, इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं, है ना, एक दो एग्जाम्पल। आप कोकोनट का नाम लीजिए, तो कोकोनट का कौन सा ऐसा खाते हैं बताइए तो, है जी, कोकोनट का कौन सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बोलिए जी, यहाँ पे कोकोनट का कौन सा पार्ट खा सकते हैं। हाँ समझ गया, वीडियो कार्ड खाते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए नारियल जो देखते हैं ना, साबुत नारियल जो होता है, ठीक है, पड़ेगा कुछ, कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हैं कुछ समझा, कौन सा, हाँ वीडियो कार्ड। ठीक है, तुम दे बुरी नहीं रहा, हाँ ना ना, देखिए आप लोग नारियल देखते हो ना जी, पका हुआ नारियल लेते हैं, उसमें देखिए ऊपर से छिलका रहता है ना, ऊपर से छिलका रहता है, देखिए यहाँ पे नारियल रहेगा बीच में, है ना जी, दिमाग लगाओ सब लड़का। अब नारियल को जब खरीदते हैं तो ऊपर एकदम पतला सा छिलका रहता है, उस पतला छिलका रहता है उसका तो फाइबरस हिस्सा दिखाई देगा, एक फाइबरस हिस्सा होता है। कभी आम को भी जो खाते थे बीच में फाइबर होता है जी, कभी देखिए दांत में फंस जाता है धागा वगैरह, तो मीजो कार्प को रिप्रेजेंट करता है। नारियल में भी जो पका एकदम साबुत नारियल खरीद के लेकर आओगे, मार्केट में जाओगे आप पूरा का पूरा नारियल खरीद के लाओगी, घर पे उसको छीलते हैं ना जी पूरा पत्ते, तो ऊपर एकदम पतला सा एक लेयर होता है, एकदम स्मूथी लेयर होता है, दैट इज स्मूथी लेयर इज कॉल्ड इपिकार। सब देखे भाई पूरा साबुत नारियल, अरे छठ में नहीं देखा जी ऊपर में जो रहता है जी नारियल, है ना दिमाग में, बीच में जो देखते फाइबर जो होता है जिसका हम लोग कभी ये रस्सी वगैरह बनाते हैं या गद्दा वगैरह बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं वीडियो कार, है ना जी। ये जो एकदम स्टोनी पार्ट होता है जिसको फोड़ती हो आप, तब अंदर से नारियल निकलता है ना, जो फोड़ते तो वो क्या हो जाएगा, इंडो कार, है ना जी। ये आप जो देख रहे हैं इंडो कार, हम पहले बोल चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि फ्रूट खाने मीठा ही हो, खाने लायक ही हो, ये लिखे फ्रूट तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये लाइन बहुत मायने रखता है ना, मे बी और मे नॉट बी। मीजो कार पे भी तो खाने लायक ना, धागा फागा थोड़े खाते हैं मुस्ता, सुंदर राजीव क्या बोला, नारियल को छीलना, छीलने के बाद कच्चा नारियल एकदम पका हुआ नारियल, ऊपर का पतला सा स्किन होता है ना जी, स्किन के बाद फाइबर निकलता है, अब फाइबर के बाद क्या होता है, पत्थर जितना मजबूत एक लेयर होता है जिसका नाम क्या होता है, इंडो कार्प। एक्चुअली में हम लोग नारियल का ना इसी कार्प खाते हैं ना, मेजो कार्प खाते हैं ना ही इंडो कार्प खाते हैं, हम लोग इंडोस्पर्म खाते हैं, यही हम तुम लोग से सुनना चाह रहे थे ना जी, तुम लोग कैसे भूल गया जी। नहीं, नारियल में जो बीच वाला जो हिस्सा देखते हैं व्हाइट वाला हिस्सा, उसका क्या नाम था जी, इंडोस्पर्म ना, जो ऑनलाइन था वो सब बोला सही सही है ना, इसका नाम क्या था, इंडोस्पर्म। हम लोग नारियल का व्हाइट वाला हिस्सा खाते हैं ना जी, अभी नहीं बोले थे इंडोस्पर्म व्हाइट होता है ना, वो असल में वो सीड है ना, नारियल जो देख रहे हो अंदर का हिस्सा जो खाते हैं एक्चुअली वो सीड का पोर्शन है, और सीड में भी सर क्या खाते हैं हम लोग, इंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, इंडोस्पर्म जो खाते हैं सर, ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है ना जी, क्लियर नहीं होता, अभी नहीं बोले थे नारियल में जहाँ पे छेद करते हैं ना उसका बेबी रहता है वो, ठीक है, और जहाँ पे हम लोग देखते हैं सर आपको व्हाइट वाला रीजन देखते हो वो उसका इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म दो तरह का होता है नारियल में, एक सॉलिड इंडोस्पर्म और एक क्या होता है सर आपको लिक्विड इंडोस्पर्म, पानी भी जो नारियल का जो देखते हैं वो भी तो पिया जा सकता है जी, ठीक है, वो भी न्यूट्रिशियस होता है, लिक्विड इंडोस्पर्म, है ना जी, ये दोनों के दोनों चीज को हम लोग खा सकते हैं या पी सकते हैं, इस दोनों को मिला के क्या कहेंगे सर, नारियल में ना ही मीजो कार्प खाते हैं, ना ही ईपी कार्प खाते हैं, ना ही इंडो कार्प खाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या खाते हैं सर उसका, है ना जी, सर हम उसका क्या खाते हैं, है ना जी, आपको इंडोस्पर्म खाते हैं जी, इंडोस्पर्म। दिमाग लग रहा है, हम आपको ये लाइन पे ज्यादा फोकस करने के लिए जान मुझके देख रहे हैं, अगर साल अगर किसी साल नीट पकड़ाएगा ना तो वो तुमसे पूछ रहे भिंडी का कौन सा हिस्सा खाते हैं, ठीक है, पूरा सबूत खा जाते हैं ना जी, ऐसा अगर नॉर्मल अगर कोई लड़का या लड़की होगा जो उसको पसंद हो भिंडी तो पूरा खा जाए, लिखेगा ना सीड भी खा लेते हैं, इपी कार्प, मेजो कार्प, इंडो कार्प सब खा लेते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेगा वो, पहले पर आइजन चलना चाहिए, या खीरा के बारे में पूछ दे, खीरा का इपी कार्प छोड़ के सर मेजो कार्प है ना, उसके बाद क्या होगा इंडो कार्प, है ना जी, सीड सही खा लेते हैं ना जी हम लोग, सबको वही बात ध्यान रखो, ऐसे हालांकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा पर ये दोनों सिलेबस में है। अब इसी तरह से एक नाम लेते हैं ग्वाभा, बताओ जी अमरूद का कौन सा ऐसा खाते हैं ना, ग्वाभा है ना जी, होल फ्रूट खाते हैं, होल फ्रूट खाते हैं, होल फ्रूट खा लेते हैं, पूरा का पूरा खा जाते हैं सर तुम लोग, है ना जी, आपको होगा जो रही टाइप का जो सीड निकाल निकाल के खाता हो, ठीक है जी, बड़ा राम खेल गया सीड निकालता है ना जी, सीड निकाल निकाल के खाता है जी, छिलका छिल कर, हाँ ये भी है अमृत का छिलका हटा के सब खाना ना जी, ऐसा कुछ नहीं था, होल फ्रूट खा सकते हैं,
और चौथा नंबर पे आता है ना जी, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है ना जी, जो शाम वाला लड़का लड़की सब नहीं बोलना, जो सुबह वाला बैच में है ना वो बोलेगा जी, ठीक है ना जी। हाँ ये सब भी बोल सकते हो, आप लोग भी बोल सकती हो है ना जी। हम हिंट दिए हुए बोर्ड पे ही हिंट दिए हुए हैं जी, और हम आपको एक 11th में जब चैप्टर 5 पढ़ाएंगे ठीक है, तो वहां बोले थे जो चीज नहीं पढ़ाया गया तो आप सीधे बोल दो नहीं जानते। जो एनसीआरटी लवर स्टूडेंट होता है ना, उसको जो एनसीआरटी में नहीं लिखा हुआ है ना, तो पहला तुक्का बोले नहीं जानते ठीक है जी। अगर आपको मेडिकल निकालना है, जो आप पढ़ी हो वही जान रहे हैं, जो नहीं पढ़े था हमको हमको उसके दिमाग ही नहीं लगाना है जी। मतलब कि कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो लॉजिक बेस्ड नहीं होगा, थ्योरेटिकल बेस्ड होगा है ना जी, और हम आपको कहीं नहीं पढ़ाए, आप सीधे कर दिया हम नहीं जानते, या एनसीआरटी में नहीं पढ़े हो तो सीधे कह दो हम नहीं जानते ठीक है। हम एक हिंट देते हैं है ना, लीची का अभी सीजन भी है लीची का है ना जी, लीची का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं, क्वेश्चन समझ आया, लीची में है ना कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं, कॉमन सेंस लगा के बोलो है जी। चले आगे, और ओवरी, चलो ओवरी, और कुछ अच्छा तुम बोलो, तुम लोग भी बोलोगी, लीची का कौन सा हिस्सा खाते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझ आया, विच पार्ट है इडिबल, ये सब सिलेबस का क्वेश्चन है, अब बिहार बोर्ड का बहुत फेवरेट है, देखना तुम क्वेश्चन बैंक में खूब पूछता है ठीक है ना जी। सुबह वाला बैच वाला बोलो तो, रुबीना तुम बता सकती हो, ये रुको ना, तो सुबह वाला बैच में अरे सुबह 11th में था, बढ़ावा तब बोल रहा है मिजो कार्प खाते, चलो सही है, ये सुनाई जा रहे थे। हाँ तुमने मिजो ही बोला है, नहीं गलत है, देखो अभी हम बोले थे ना, अभी हम कहीं पे लीची के बारे में कहीं पर है ना, लीची एरिल के बारे होगा में, सर, हाँ एरिल एरिल। होगा, सही बोले, हाँ इसका कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग, एरिल खाते हैं एरिल है ना जी, लीची में जो हम लोग जो गुदा जो व्हाइट वाला ऐसा खाते हैं ना जी, एक्चुअली में वो ना मिजो कार्प नहीं है सर, वो एक तरह का क्या सर आपको एरिल है जी, एरिल, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है जी ठीक है, पर आप लोग याद रखिए, रट्टा मारना है आप लोगों को ये लाइन, आउट ऑफ सिलेबस बिहार बोर्ड लिखो आप लोग कहीं एनसीईआरटी में पहली बार सुन रहे हो, नहीं तो 11th में पढ़ाए हुए सब लड़का को है ना शाम वाला बैच में, कि लीची का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, तो लीची का एरिल खाते हैं सर, एरिल ना ही मिजो कार्प है ना ही इंडो कार्प है, हम आपको दिमाग में डाले थे अभी, मिजो कार्प फाइबरस होता है, लीची खाता धागा फंसता दिमाग में मतलब दांत में, क्या इसको हम कैसे मान लेंगे कि सर ये मिजो कार्प है ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ, हम बोले थे ना मिजो कार्प का क्या पहचान है, धागा धागा जैसा होगा, फाइबरस होगा, बट एरिल कोई फाइबर से तो फ्लेशी होता है, गुदेदार होगा और उसमें कोई धागा जैसा आपको फीलिंग नहीं आता है ठीक है। और हम ये कहना चाह रहे हैं एरिल होता क्या है एक्चुअली, आप लोग है ना याद कीजिए, आप लोग जब ओव्यूल देखते हैं, ओव्यूल देखते हैं ना, ये आउटर इंट्यूगमेंट हुआ, ये इनर इंट्यूगमेंट हुआ, लेकिन एक और इंट्यूगमेंट उसको थर्ड इंट्यूगमेंट कहते हैं सर, ये मतलब पहला इंट्यूगमेंट, ये दूसरा इंट्यूगमेंट, ये तीसरा इंट्यूगमेंट है, थर्ड इंट्यूगमेंट होता है, यही थर्ड इंटीग्रमेंट जो है ना सर बड़ा होकर क्या बन जाता है, एरिल में चेंज कर जाता है, दिमाग लगाइए है ना। लीची के पौधे में क्या देखते हैं, एक्चुअली में लीची का जो छिलका हटाते हैं ना, उसी में एपिकार्प मेजोकार्प एंडोकार्प तीनों हो जाता है ठीक है, छिलका हटाइए तीनों लेयर हट गया, तो वो हिस्सा तो खाते नहीं ना हम लोग है, सीड कवर होता है किससे, एरिल से, ये आउट ऑफ सिलेबस है ये, तो वैसे दिमाग मत लगाना ज्यादा है ना, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि लीची में है ना, बस लीची में ही और किसी और दूसरा एग्जाम्पल भी मत लाओगी है ना, लीची जैसे पौधे में है ना, उसका जब फल तैयार होता है सर, उसका फल का एक्चुअली में हम लोग सीड वाला पार्ट खाते हैं, सीड का हिस्सा हुआ ना, ये नहीं देखते ओव्यूल पूरा किसे बदल जाता है जी, सीड में ना, तो सर इसी में से जो तीसरा जो लेयर होता है ना, यही लेयर आगे जाके किसे बदल जाता है, फ्लैशी हो जाता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग एरिल के नाम से बुलाते हैं, दिमाग लग रहा है, मतलब हम लोग एक्चुअली में सीड वाला हिस्सा खा रहे हैं, उसको एरिल कहते हैं, या थर्ड इंट्यूगमेंट भी लिख सकता है तुम, कुछ जा रहा है जी बात समझ में है ना, इंट्यूगमेंट है जी, आप लोगों से पूछा जा सकता है सालाना फल है उसका कौन सा ऐसा खाते हैं ठीक है, आप तुमको जैसे हम पढ़ाए ना वैसे याद रखना होगा, कि मैंगो में मेसोकार्प है, कोकोनट में एंडोस्पर्म है, गुआवा में पूरा का पूरा फ्रूट ही खा लेते हैं हम लोग, और लीची में जो देखते हैं सर हम लोग एरिल खाते हैं ठीक है, नहीं तो तुमको नहीं सिलेबस के जैसा पढ़ाइए सर, तो हम यही तुमको भी पढ़ाते हैं, ट्रू फ्रूट है ना आपको, नहीं कि फॉल्स फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ड्रूप फ्रूट, और सब तुमको समझाते कौन सा पार्ट क्या खाते हैं ठीक है। अब हम लोग यही देखने ही वाले हैं कि फ्रूट में है ना कितने टाइप होते हैं ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर के प्रेजेंस और ऑब्सेंस के आधार पर भी ठीक है, लग रहा है दिमाग कहना चाहे, ऐसे भी तुम लोग पहले रख लो, नहीं तो हम फिर अभी लाइन घुमा फिरा के तो ना, चलो देखते हैं आप लोग फ्रूट का टाइप देख रहे हैं ठीक है, अब फ्रूट के बहुत सारे टाइप होते हैं जी ठीक है, किस आधार पे तुम बनाओगी उस हिसाब से आपको फ्रूट के बहुत सारे टाइप निकलते चले जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कॉन्टेंट के आधार पे और फाइबर के आधार पे है ना जी, फ्रूट दो तरह का होता है जी, देखिए जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा है ना, आपसे पूछा जाएगा
है ना, पानी की ज्यादा मात्रा के आधार पे, जैसे तुम कोई फल खाई और बहुत पानी पानी जैसा तुम्हें फील हो रहा है, जैसे अमरुद खाइए है ना जी, या आम खाइए तो उसमें आपको लिक्विड जैसा फीलिंग लाएगा, लेकिन वही जगह पर तुम आलमंड खाओ या अखरोट खाओ या वो क्या नाम है काजू वगैरह खाओ, उसमें तुम वो फीलिंग नहीं आएगा पानी जैसा, वो ड्राई जैसा फील होगा। इसका मतलब दो तरह का फ्रूट हुआ ना जी, एक फ्रूट हुआ ड्रूप फ्रूट है ना जी, एक होता है सर ड्राई फ्रूट होता है, ड्राई ड्राई फ्रूट होता है जी, ठीक है। अब किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पल्प के आधार पे, पल्प का मतलब होता है पानी होता है जी, ठीक है, वाटर या गुदा जिसे बोलते हैं जी, ठीक है, वाटर कंटेंट है ना जी, वाटर और फाइबर के आधार पे, वाटर फाइबर को पल्प बोलते हैं, पल्प के आधार पे मतलब फ्लेशी पल्प के आधार पे दो तरह का फ्रूट होता है, एक होता है ऐसा फ्रूट जिसमें क्या होता हो फाइबर होता हो, फाइबर एंड है ना मैक्सिमम, कभी सुनते हुए पड़ता है पल्पी फ्रूट बोलता हो, पल्प में क्या जिसमें गुदा ज्यादा हो, ठीक है, आम वगैरह हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम फाइबर एंड मैक्सिमम वाटर, वाटर कंटेंट है ना जी, वाटर कंटेंट इन आपको लिखा आपको ओवरी है ना, ओवरी या फ्रूट है ना, इसको क्या कहेंगे ड्रूप फ्रूट कहेंगे, समझा नहीं पाए होंगे तो आप एग्जाम्पल फाइबर वाला एग्जाम्पल याद करोगे, मैंगो होता है ना, दूसरा एग्जाम्पल कोकोनट होता है, कोकोनट है ना जी, और करके लिख देते हैं और है ना, और तीसरा एग्जाम्पल गुआवा होगा है जी, गुआवा हाँ जी, ये सब एग्जाम्पल में क्या था पल्प होता है सर, इसमें गुदा ज्यादा मिलता है, कभी पका हुआ अमरूद देखिएगा उसमें भी आपको पल्प ही फील होगा, मतलब लगेगा लिक्विड ज्यादा है, ठीक है, इवन फाइबरस भी हल्का फुल्का रहता है, हालांकि छोटा छोटा फाइबर होता है इससे दांतों में नहीं फंसता है, राम समय देखिए लंबा लंबा फाइबर होता है तो फंसने लगता है ना जी, ये हो गया है ना। अब आइए ड्राई फ्रूट की बात सुनो, हाँ ड्राई फ्रूट किसे कहते हैं, ऐसा फल जिसमें क्या देखते हैं सर आपको है ना जी, वाटर कंटेंट कम होता है जी, ठीक है, फ्रूट हैविंग लेस वाटर कंटेंट ना जी, फ्रूट हैविंग लेस लेस वाटर कंटेंट है जी, जिसमें पानी की मात्रा क्या हो है ना जी, कम होता हो जी, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं ड्राई फ्रूट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सब क्या क्या दीजिएगा, एनसीईआरटी में देखो इसमें एग्जाम्पल सब हो तो आलमंड होगा है ना जी, और क्या हो सकता है कैश्यू काजू है ना जी, और क्या हो सकता है इसमें एग्जाम्पल, इसमें लिखा मस्टर्ड भी लिखा होगा, देखो तो मस्टर्ड है ना जी, ये सब एग्जाम्पल, और क्या है ब्राउन नट, ग्राउंड नट ग्राउंड नट है जी, ग्राउंड नट होगा, ये सब ड्राई फ्रूट में आएगा जी है ना जी, वो चिनिया बादाम वगैरह से देखते हो सूखा रहता है ना, वहीं पे है, वहीं पे नहीं वो सब इधर इधर साइड में होगा, हाँ ढूंढो चीजें सब अंडरलाइन करोगी, ठीक है, ऊपर ऊपर दिखा सबसे ऊपर जाओ, हाँ वो नहीं थे वहीं पे है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑरेंज है मैंगो ये सब देख रही हो, सब ड्राई फ्रूट में ग्राउंड नट मस्टर्ड सब सुन रही हो है ना, बिला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, वो नीचे में कुछ और है रे, वो सब तो फॉल्स फ्रूट ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है, वो फ्रूट ने अभी हम फ्रूट का टाइप कौन सा पढ़ा रहे हैं, किसके आधार पल्प के आधार पे, अभी फिर से फ्रूट पढ़ेंगे हम जी, यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ देखो मेरे तरफ देखो, एक गुआवा होगा, गुआवा ऑरेंज मैंगो ये सब क्या है आपको, यानी कि फ्लैशी फ्रूट में आता है, ड्रूप फ्रूट कहते हैं इसको, और मे बी ड्राई होगा तो ग्राउंड नट मस्टर्ड सब आएगा जी, ठीक है, पहले पढ़ा आगे बढ़े, फिर से फ्रूट का टाइप देखो, अब ऐसे बोल सकते थे हम इधर, यानी कि ड्रूप फ्रूट में मेजर पार्ट खाते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट में क्या पूरा का पूरा फ्रूट है वो खा जाते हैं है ना जी, ड्राई फ्रूट में देखते हैं, हालांकि अखरोट में पूरा नहीं खाते हैं, ऊपर का छिलका थोड़े खाते हैं है ना, एपिकाप थोड़े खाते हैं, उसका अंदर का ही पार्ट सब खाते हैं, हालांकि अखरोट से वो सीड होता है जो खाते हैं ना, वो सीड रहता है ना, उसको तोड़ ताड़ के लगाओगे तो पेड़ लग जाएगा, ठीक है, मेजर कार अखरोट पूरा इंटायर सीड का होगी, ठीक है, खाली ऊपर का सीड कोट छोड़ करके, हाँ सीड कोट नहीं खाते, जो अखरोट रहता है ना वो सीड सीड कोट रहता है जिसको फोड़ के हटाते हैं, अंदर में जो आपको मटेरियल होता है उसको हम लोग सीड कहते हैं, ये क्या नाम है उसको हम लोग ये सब इंट्यूगमेंट कहते हैं है ना, इंट्यूगमेंट सबके नाम से बात है, या और क्या कर सकते हैं इंडोस्पर्म ये सब होता है, उसको इंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं है ना। अब ये फिर से फ्रूट का टाइप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ है ना पार्ट ऑफ यानी पार्ट ऑफ है ना पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है ना, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है ना, पार्ट ऑफ ओवरी के आधार पे है ना, पार्ट ऑफ सॉरी पार्ट ऑफ फ्लावर के आधार पे, पार्ट ऑफ फ्लावर के आधार पे, ठीक है जी,
है ना, आपसे कोई पूछ देगा कि कोई फल हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, अब वो फल में एक्चुअली में ओवरी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, असली सच्चा फ्रूट किसे कहते हैं जिसमें फल किससे डेवलप क्या हो, है ना, ओवरी से डेवलप क्या हो, ऐसे फल है ना जो ओवरी से डेवलप क्या हो, दैट फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम, विच डेवलप डेवलप फ्रॉम ओवरी, है ना, इसको क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड, है ना जी, इट्स कॉल्ड ट्रू फ्रूट, इसको हम लोग ट्रू फ्रूट के नाम से बुलाते हैं। सच्चा फल किसे कहते हैं सर, जो ओवरी से बना, अभी हम इसे बनाए थे ना, यहाँ तो पहले ट्रू फ्रूट लिख देते हैं, ट्रू फ्रूट है, और एक होता है फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फॉल्स फ्रूट, ज्यादा मायने ये वाला रखेगा आपको, ठीक है। अब जैसे इमेजिनेशन करने के लिए, जैसे आप एक फ्लावर देख रही है, इस फ्लावर में सर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और हम क्या देख रहे हैं सर, ये ओवरी जो है ना यही आगे जाके फल में बदलता है, आप ये भी हमने थोड़ा सा पहले क्लास में भी यही बताए थे कि ओवरी ही आपको आगे जाके फ्रूट में चेंज करता है, ठीक है, तो ऐसा फल जो ओवरी से तैयार हुआ हो इसको क्या कहोगे, ट्रू फ्रूट कहेंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसा भी तो हो सकता था सर कि कोई फल है उसमें ओवरी के अलावा कोई और हिस्सा डेवलप कर जाए, जैसे आप लोग याद कीजिए फ्लावर में ये हिस्सा थैलेमस होता है, कभी कभी क्या होता है थैलेमस ही आगे जाके फल में बदल जाए, है ना जी, थैलेमस आगे जाके फल में बदल गया, जैसे अभी लीची में भी देखे थे, लीची में ओवरी नहीं फल में बदला था, वहां पे एरिल था, एरिल में थर्ड इंटीग्रमेंट था, है ना जी, वो जाके फल फल में चेंज कर जाए, फ्रूट डेवलप, फ्रूट क्या हो जाए, डेवलप करे, ये भी वीवीआई होगा आप लोगों के लिए, ये ऑब्जेक्टिव तरह का क्वेश्चन पूछेगा, फ्रूट डेवलप है ना फ्रॉम, फ्रूट डेवलप फ्रॉम, है जी आपको, है ना, आपको फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी, है ना जी, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से आपको नहीं कि फल डेवलप कर जाए, उसको क्या कहेंगे, ऐसे फ्रूट को क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट के नाम से रहेंगे, फ्रूट जो डेवलप कर रहा है वो ओवरी के अलावा कोई और भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है जी, ऐसे फल को सच्चा फल नहीं मानेंगे, फॉल्स फ्रूट मानेंगे, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, तुम विश की थी कि सर ये वाला चीज बड़ा होकर फल बनेगा, ये वाला हिस्सा जो देख रही हो ये बड़ा होकर फल बनेगा, लेकिन क्या हुआ कि ये वाला चीज बड़ा होकर फल बन गया, मतलब थैलेमस आगे जाके बड़ा होकर फल बन जाए, जैसे आप आपको इसमें देख रहे हैं एप्पल में, है ना, एप्पल का जो हिस्सा हम लोग खाते हैं, आपको कौन सा हिस्सा खाते हैं, हम लोग थैलेमस खा रहे होते हैं, फोटोग्राफ देखो ना एप्पल वाला जो आप इंडिकेट कर रहा है थैलेमस को, देखिए हम कहना चाह रहे हैं क्या, जैसे आप एप्पल का एग्जांपल दीजिए इसमें, है ना, एग्जांपल क्या होगा सर, आप देखिए, और ये भी बात है कि अगर हम आपको फॉल्स फ्रूट पढ़ा देंगे पूरा का पूरा, तो जो बच जाएगा वो सब किस में आ जाएगा जी, है ना जी, ट्रू फ्रूट में आ जाएगा ना जी, एप्पल हुआ है ना, एनसीईआरटी देखिए, पियर हो सकता है, नाशपाती आप सब देखे हुए हैं, ये सब फॉल्स फ्रूट में आता है जी, ठीक है, और इसी में एग्जाम्पल में आएगा सर आपको पियर होगा, स्ट्रॉबेरी चलिए, है ना, स्ट्रॉबेरी भी आएगा, ठीक है, ये भी आपको फॉल्स फ्रूट में आता है, हम बताएंगे क्या स्ट्रॉबेरी का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं, उसी तरह से आपको कैश्यू भी है, कैश्यू हालांकि आपको दिया नहीं है या आपको ऐसे लिखा हो कि फीलिंग कुछ, हम बताएंगे कैश्यू भी आपको एक फॉल्स फ्रूट है, और भी एग्जाम्पल सब है, ठीक है, आपको अभी हम लिखे भी थे, लीची भी क्या है सर, एक तरह से फॉल्स फ्रूट है जी, ठीक है, लेकिन आप एक बार इमेजिनेशन किया कि सर हम लोग एप्पल जो देखते हैं, नाशपाती देखते हैं और स्ट्रॉबेरी देखते हैं, इस सब का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं, हम लोग इस सब का ना सर आपको थैलेमस खा रहे होते हैं, थैलेमस एक्चुअली में जब फ्लावर देखोगे ना एप्पल का फ्लावर में ये उसका ओवरी है, ओवरी के नीचे क्या होता है थैलेमस, हम सब जानते हैं थैलेमस कहाँ देखते हैं, ओवरी के नीचे सर, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी नहीं डेवलप करता है, ये थैलेमस डेवलप करके उसको कवर कर लेता है, ये इस तरह से, मतलब आप एप्पल में जो देखते हैं, ठीक है, वो आपको उसका कौन सा पार्ट आपको खींच लेता है सर, आपको देखिए उसका यहाँ पे देखिए, कभी आप एप्पल काटेंगे ना तो उसमें आपको बीच में यहाँ पे सीड सब दिखाई देगा, है ना, सीड को जो घेर के रखता है सर, ये उसका ओवरी रहता है सर, ये उसका ओवरी, लेकिन जो आप हम लोग खाते हैं ना जो एप्पल का हिस्सा, वो हिस्सा क्या रहता है इसका, आपको थैलेमस रहता है जी, दिमाग लग रहा है जी, हम क्या समझा रहा है, मतलब हम लोग से पूछा जा सकता है कि एप्पल का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो आपको क्या जवाब दीजिएगा, आप लोग थैलेमस जवाब दोगे, ठीक है, विच पार्ट आर एडिबल लिखा आपको ऑफ ओवरी, तो आप लोग का जवाब क्या होगा, थैलेमस के नाम से हम लोग बुलाएंगे जी, दिमाग लग रहा है जी, हम क्या समझा रहे हैं, और है ना उसी तरह से आपको नाशपाती में भी यही होता है जी, पियर्स में भी यही देखते हैं हम लोग, है ना, और स्ट्रॉबेरी में भी यही देखते हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, उल्टा पड़ जाता है सर, कभी आप स्ट्रॉबेरी को देखिएगा ना नेट से या कभी इसमें, उसका सीड ऊपर की तरफ रहता है, गड्ढा गड्ढा पूरा बॉडी पे रहेगा और ऊपर में आपको सीड सब रहेगा, ऐसे आपको एक्ने जैसा, जैसे कभी देखते हैं ना लड़का समय जो गड्ढा पड़ जाता है चेहरा पे, तो वैसा ही चेहरा इसमें देखते हैं, एक्ने इसमें देखते हैं, ठीक है, एक्ने सब दिखाई देता है, ठीक है, कभी आप लोग जब कभी किसान से मिलेगा, स्ट्रॉबेरी वाले किसान से पूछेगा कि भाई स्ट्रॉबेरी किस तरह का फ्रूट है, तो वो बोलेगा डेसियन फ्रूट है, डेसियन झड़ने वाला, कभी कोई पेड़ में फल लग गया अपने आप फ्रूट के नीचे गिर जाए, ऐसे फ्रूट को हम लोग डेस्कियन फ्रूट भी बोलते हैं, अभी बहुत टाइप आता है जी फ्रूट का, हम अभी आपको ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट चाह रहे हैं,
आगे जाके भविष्य में ये भी हो सकता है कुछ फ्रूट है ना वो चिपके रह जाएगा प्लांट को, जब तक तोड़ोगे नहीं जाके तब चिपके गिरेगा नहीं, ठीक है। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसको छूते या कुछ महीना बाद या कुछ दिन बाद अपने आप टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट जो टूट के गिर सकते हैं उसको डैसियन फ्रूट कहते हैं, ठीक है, जिस समझा ना। तो स्ट्रॉबेरी में आप क्या देखती हो, बाहर की तरफ से सीड होता है, उसका सीड क्या होता है कम्प्लीटली कवर नहीं होता है, ठीक है। ये सीड आप देखते हैं अपर साइड में होता है हल्का फल्का, इससे कभी कवर दिखाई देगा, मतलब फील करोगे तो होगा फील, है ना, छूने से आपको पता चल जाएगा कि फलाना जगह पर सीड है जी। कैश्यू में ना हम लोग सीड कोट खाते हैं जी, ठीक है। इसका कौन सा पार्ट रहता है, सीड कोट, कभी आप जो है ना ये जो देखते हैं क्या नाम है काजू कहते हैं ना इसको, काजू में देखिए एक ऐसे एंगल में बना रहता है ना जी, कोटलीडन के फॉर्म में रहता है। आप गौर किए कभी काजू जो देखते हैं तो काजू कोटलीडन के जैसा रहता है जी। और कोटलीडन जो रहता है एक्चुअली में कोटलीडन क्या होता है, सॉरी सीड कोट नहीं कोटलीडन, सॉरी सॉरी कोटलीडन हम लोग खाते हैं। और कोटलीडन किसका पार्ट होता है जी, है ना, इमरायो का ना पार्ट होता है ना, इमरायो का पार्ट होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर, कैश्यू जो देखते हैं ये आपको एक तरह से फॉल्स फ्रूट में आता है, हालांकि एनसीआरटी पर होगे ना तो फीलिंग कराएगा कि थैलामस है ये, पर ये थैलामस नहीं है, ये आपको क्या है कोटलीडन है जी। अभी थ्योरी पर लिखा होगा कि मोस्टली थैलामस से डेवलप करता है, और उसने एग्जाम्पल धरा से बोल दिया एप्पल है, पियर है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है ना जी। तो इस तरह से तुम एग्जाम्पल में कैश्यू जब आएगा ना तो थोड़ा दिमाग लगाइए, ये एक तरह का कोटलीडन डेवलपमेंट है, वहां पर ग्रामर ठीक होना चाहिए था एनसीआरटी की तरफ से। हाँ बोलो आप क्या बोल रहे थे, हेलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? नो सर, समझ रहा था क्या सब बोल रहे हैं। लीची में भी देखे था, थोड़ी देर पहले बताया थे थर्ड पार्ट, थर्ड इंट्यूगमेंट खा रहे थे हम लोग, ठीक है, थर्ड इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट देख रहे थे हम लोग। और थर्ड इंट्यूगमेंट को क्या नाम दी थी आप लोग, एरिल, नामे पर आया स्पेशल एरिल है ना जी, एरिल वाला हिस्सा हम लोग लीची का खाते जी। अगर आप ओवरी के अलावा कोई और पार्ट को आप फ्रूट का दर्जा देती हो, ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉल्स फ्रूट के नाम से जाते हैं। भाई सर भाई हम लोग फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं, फॉल्स फ्रूट का डिफिनेशन इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ने अडॉप्ट किया था स्टैंडर्डाइजेशन, मैक्सिमम प्लांट्स में ओवरी डेवलप करता है, कुछ ही ऐसा पौधा जिसमें क्या रहता है ओवरी के अलावा कोई और पार्ट खाने लायक में बदल जाता है, ठीक है जी। ऐसे फल को क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट के नाम से बुलाएंगे जी। अगर आपको हम ये सब बता दिए हैं, जो नहीं बताए हैं वो सब किस में आ गया होगा, ट्रू फ्रूट में ना, ठीक है, कॉमन सेंस लग जाए ना कि ऐसे फल जिसमें आपको ये सब नहीं आएंगे सर उसको क्या कर देंगे, ट्रू फ्रूट के नाम से बुलाएंगे जी। ओके जी, समझा दिए ना, आप फिर से सुनोगे, एनसीईआरटी में तीसरा पॉइंट है फिर से फल का टाइप है जी, ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है नजीब, आपको है ना फर्टिलाइजेशन के होने या न होने के आधार पे, फर्टिलाइजेशन हो या न हो उसके आधार पे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के होने या न होने के आधार। 5 मिनट रुक जाओ खत्म करके, तब लगभग कल हम लोग सीड पढ़ेंगे, कल इस चैप्टर बाइंड कर देंगे, बंद नहीं रहेगा, आप बारिश होगा तभी पढ़ाएंगे। नहीं बहुत गलत आदत है मेरा, नहीं, आप पढ़ाएंगे जी, आप बारिश भी होगा तब भी पढ़ाएंगे। क्या हुआ, फ्रूट देखते हम लोग, एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है ना जी, एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक है ये, है ना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है ना, लेकिन इसके अलावा भी पढ़ेंगे हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जब नोट्स पढ़ाएंगे तब। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है, एक क्या होता है सर आपको, है ना, नॉन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है, नॉन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है ना जी। और हम ये देखते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं, ऐसा फ्रूट है ना जी जिसमें हम लोग क्या देखते हैं सीड डेवलप करता है सर आपको, सॉरी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को हम लोग पहले देखते हैं। देखिए दुनिया में क्या होता है कि सर पहले फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक तरफ सीड बनता रहता है, एक तरफ फ्रूट बनता रहता है, नियम कानून क्या कहता है, ठीक है, नियम कानून ये कहता है कि सर आपको फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर में आपको ओव्यूल है, ये ओव्यूल हुआ, और ओव्यूल के अंदर में क्या देखते हैं ना, यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जायगोट बनता है। और हम आपको सिखाए थे कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ओव्यूल किसमें बदलना होता है, ओव्यूल आगे जाकर के सीड में बदलना होता है, ओव्यूल किसमें बदलता है सीड में, और ओवरी किसमें बदलना होता है, ठीक है, ओवरी बदलना होता है सर आपको फ्रूट में ना जी, ओवरी किसमें बदलेगा आपको फ्रूट में है ना जी, दोनों साइमल्टेनियसली होता रहता है, ठीक है ना। जस्ट इमेजिन कोई ऐसा प्लांट जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं सर है ना जी, और ओव्यूल सीड में बदला ही नहीं सर है ना, लेकिन फल बन गया तो ओवरी मैच्योर करके फ्रूट में बदल जाता है, ठीक है, डेफिनेशन सुनो है ना, ओवरी है ना, ओवरी गेट मैच्योर, गेट मैच्योर इंटू फ्रूट, मैच्योर इंटू इंटू फ्रूट है जी, विदाउट विदाउट सीड फॉर्मेशन, विदाउट सीड फॉर्मेशन,
या इसी जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं सर, जाके सीड बन गया मतलब फ्रूट बन गया, मतलब आंख ही नहीं बन रहा है और उसमें क्या देखते हैं फल बन गया। जैसे बनाना, बनाना में जो देखते हैं हम लोग जितने भी आपको बनाना की प्रजाति है उस सब में क्या देखते हैं सर, फल तैयार उगड़ी बड़ा हो जाता है पर उसके अंदर में सीड नहीं दिखता। तो लड़का या लड़की क्या, नहीं हम सीड देखे हैं उसमें, एक्चुअली में वो सीड नहीं, वाइल्ड स्पेसीज ऑफ बनाना, बनाना का जो पुराना जमाने का जो स्पेसीज होते जो जंगल में पाया जाता है उसमें सीड दिखाई देगा। पर आप जो भी बनाना खाए उसमें कई ब्लैक ब्लैक देखे हुए हैं, वो एक्चुअली में वो सीड नहीं रहता है, बस वो एक्सिस का बताता है। ठीक है, हम आपको जब बनाना का फ्लावर बताएंगे ना तो खुद कह देगा सर वो एक स्ट्राइल फ्लावर होता है ना जी, कभी भी बच्चे को नहीं जन्म दे सकता वो फ्लावर। बट हम ये भी कह रहे हैं कि तुमको कि पार्थिनोट्रॉपिक फ्रूट का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ऐसा फल जिसको खाने के बाद आपको सीड ना मिले ना जी, ऐसे फल को हम लोग क्या कहेंगे, पार्थिनोट्रॉपिक फ्रूट कहेंगे। फिर से सुनो, तरह की ऐसा ओवरी डेवलप कर गया, मैच्योर कर गया फ्रूट में लेकिन सीड नहीं बना सर है ना जी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ लेकिन सर आपको फल तैयार हो जाए, ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पार्थिनोट्रॉपिक फ्रूट। कभी कभी टमाटर में भी देखने को मिलेगा, तो ऐसा आप टमाटर काटिएगा उसमें सीड ही नहीं मिल रहा है, तो समझ जाना वो टमाटर क्या है, आपको पार्थिनोट्रॉपिक से तैयार किया गया है जी। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है जी इसका है ना, पार्थिनोट्रॉपिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखना, स्पेलिंग भी याद करना, पहला चैप्टर में पढ़ते पार्थिनोजेनेसिस पढ़े थे, लेकिन यहाँ कार्पिक, कार्पिक का मतलब आपको बताया मैं फ्रूट होता है जी। ठीक है, तो पार्थिनोट्रॉपिक मतलब अकेला फ्रूट तैयार हो गया है ना, अकेला फ्रूट का मतलब क्या, जिसमें सीड नहीं बना होता। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, बनाना। अब यहाँ पे कोई लड़का ये भी पूछा इसमें कौन सा पार्ट खाते हैं, इसका भी पार्ट खाते हैं बनाना नाम ये तो है ना जी, है जी बनाना में हम लोग क्या देखते हैं है ना जी, आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको पार्थिनोट्रॉपिक फ्रूट कहलाएगा, पार्थिनोट्रॉपिक फ्रूट बिकॉज मेक है, ये आपको क्या, ये आपको विदाउट सीड के तैयार हो जाता है। आपको लड़का चाहेगा ना कि हम किसी पेड़ में सर सीड नहीं चाहते हैं, जैसे कोई किसान ये है कि उसको कस्टमर से शिकायत आएगा कि भाई सीड मत लाओ है ना, बिना सीड का कोई फल है तो खिलाओ है ना जी, जैसे उसको कहेगा कि टमाटर का आपको ऐसा आपको लाइए उसमें सलाद काटने वाले तो सीड नहीं यहाँ पे है ना जी, जैसे देसी टमाटर देखते हो ना उसमें बहुत सारा सीड होता है और लोगों को अच्छा नहीं लगता रहता उसको खाते वक्त है ना जी, कुछ कुछ ऐसा सीड होगा, कुछ कुछ ऐसा टमाटर होगा जो नहीं, एक हाइब्रिड टमाटर देखते हो कोई बड़ा बड़ा साइज का हाइब्रिड टमाटर होता है ना जी, उसमें क्या देखते हो उसमें सीड गायब रहता है या नहीं रहता है, तो ऐसे पेड़ जिसमें सीड नहीं हो फल हो पर सीड ना हो, ये सब ओबरी से ही बना है, देख रहे हैं गौर से ना, ओबरी ही लिखे हैं है ना, कोई और चीज नहीं लिखे हैं लेकिन सर इसमें सीड नहीं बन पाया, ऐसे पेड़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऐसे फल को क्या नाम देते हो, पार्थिनोट्रॉपिक फ्रूट के नाम से बुलाते हैं। मुद्दा ये है कि क्या हम पार्थिनोट्रॉपिक फ्रूट तैयार कर सकते हैं, इंड्यूस पार्थिनोट्रॉपिक नया शब्द आ रहा है, इंड्यूस पार्थिनोट्रॉपिक, इंड्यूस पार्थिनोट्रॉपिक हो सकता है, तो तुम जवाब दोगे यस है ना, यस में आप जवाब दीजिएगा इंड्यूस पार्थिनोट्रॉपिक हो सकता है। ठीक है, इंड्यूस पार्थिनोट्रॉपिक करने का मतलब क्या कि सर आप चाहे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पेड़ का सीड गायब करवा सकती है, कैसे गायब करा सकते हैं है ना, बाय स्प्रे ऑफ है ना, स्प्रे ऑफ क्या, स्प्रे ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ज्यादा मात्रा में, ऐसे ऐसे करते हैं ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एंड है ना लेस लेस मात्रा में क्या करते हैं हम लोग है ना जिब्रेलिन, जिब्रेलिन आप इस सब आप लोग कभी नेचर में देखे हुए भी, ऑक्सीजन देखे नेप्थेलिन का गोली देखा है, फिनाइल का गोली जो होता है कभी देखिएगा बेसिन में रखा रहता है वही है, वही ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन है ना, जिब्रेलिन जो देखते हैं सर कि कोई भी चीज सरता गलता है, तो चावल को सरते गलते छोड़ दिए ना उसे जिब्रेलिन हो जाए, नहीं तो पैसा खर्च कीजिए जाकर मार्केट से खरीद लीजिए, किसान जो दुकान से होता है ना सीड का दुकान से नहीं होता है ना, तो फर्टिलाइजर के दुकान से आप ऑक्सीजन और जिब्रेलिन का पैकेट ले सकते हैं और इस दोनों को पैकेट लेकर के आप अपने पेड़ पे डाल दीजिए, उसके ऊपर स्प्रे करिए, जब फ्लावर का मौसम आएगा जैसे आम के पेड़ में चाहती हो तो सीड छोटा छोटा हो, किसान सब फायदा कमाने के लिए क्या सोचता है उसका आम का साइज बड़ा जो नहीं डिमांड जब मार्केट में मेरा आम जो देखिएगा उसमें बड़ा साइज है सीड बहुत पतला है, ठीक है तो वो कैसे करता है वो लोग, ठीक है तो ऑक्सीजन का स्प्रे करता रहता है पूरा पेड़ पे फ्लावर पे फ्रूट पे क्या करे ऑक्सीजन का स्प्रे कर देगा, जिब्रेलिन का स्प्रे कर देगा, इससे क्या होता है आंखी बनता तो है सर पर छोटा बनता है, किसी किसी पेड़ में आंखी गायब भी हो जाता है, जामुन के पेड़ पे छिड़क देगा इसे तो पूरा आंखी गायब हो जाएगा, समझना है जन क्या बनाता है, अगर आप आंखी गायब करवाना चाहती हो या आंखी का साइज छोटा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करिए ऑक्सीजन और जिब्रेलिन का स्प्रे करना है, इसके स्प्रे करने से किस पे ऑन फ्लावर, ऑन फ्लावर तो इससे क्या होगा सर आपको सीड क्या हो जाएगा सर आपको नहीं बनेगा, सीडलेस बनाना चाहते तो ठीक है जी, सीडलेस है ना सीडलेस फ्रूट है ना जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा सीडलेस फ्रूट, ये एंगल से फायदा है किसी किसान को आम का पेड़ से मतलब नहीं है, इसको साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है तुमको सीड हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सीड को ज्यादा जगह नहीं मिलेगा बस नहीं, ओके जी अब इसका उल्टा नहीं सोचने का लड़का, ओवरी डेवलप इंटू डेवलप डेवलप है ना इन टू फ्रूट अलॉन्ग सीड,
इनटू डेवलप इनटू फ्रूट आपको अलोंग सीड इसको क्या कहेंगे हम लोग, है ना, इसको कहेंगे हम लोग पार्थिनोकार्पिका, जिसे आंखी भी दिखता हो फल भी दिखता हो, तो क्या कहेंगे ना जी सर, समझ ना जी, कल मिलते हैं आप आगे, है ना जी, रहने देंगे।